दोस्तों अगर आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही स्पीडली आप इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस को बहुत ही जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर लें या उनका मीनिंग समझ लें, तो आप मेरे द हिंदू के ये जो सेशंस हैं इनको फॉलो करना ना भूलें। सो दोस्तों लीजिए, हाजिर है एक और जबरदस्त सेशन जिसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा द हिंदू के एडिटोरियल की वर्ड बाय वर्ड हिंदी। दोस्तों अगर आपने ढंग से 20 से 25 एडिटोरियल की हिंदी समझ ली तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के अंदर दिन रात का फर्क आ सकता है। सो दोस्तों प्लीज कीप वॉचिंग दीज सेशंस एंड इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज बिंदु वर्मा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गौरव धवन सर। फ्रेंड्स आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल जिसका नाम है मिसिंग डिमांड, यानी कि जो डिमांड है वो गायब है, उसकी वर्ड बाय वर्ड हिंदी करेंगे। इसको कंप्लीट डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो ये एडिटोरियल है उसमें किस चीज़ की डिमांड के मिसिंग होने की बात की गई है। जो हमारा स्लो डाउन हुआ है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ है। कंपैरिजन में बताया गया है कि काफ़ी डाटा दिया गया है, पहले क्या होता था जितने भी व्हीकल्स होते थे उन सभी व्हीकल की जो खरीददारी है उसमें कमी आ गई है, यानी कि उनकी जो डिमांड है उसमें कमी आ गई है। अब ऐसा हुआ क्यों? जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तो चल ही रहा है और जो कमर्शियल है उसमें कमी आई है। हालांकि इसके पीछे कोई खास रीज़न तो नहीं है, बट ऐसी बहुत सी कमी आ सकती है आगे आने वाले टाइम में। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, और जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनको स्लोवेस्ट सिटी बताया गया है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब क्या हो गया, आज के टाइम पर कैब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत बड़े लेवल पर जो है ये फैल गया है। लोगों के पास चाहे खुद की कार है या फिर उनके पास खुद की कार नहीं है, दोनों ही तरीके के जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कैब को। वो क्या करते हैं, कैब बुक कराते हैं, उसी से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि वे खुद की गाड़ी से गए तो वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे और बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और इनसे क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं इन्हें इस एडिटोरियल में बताया गया है, जिसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ए वेल्टर ऑफ डाटा कलेक्टिविटी एंड इंडिविजुअली पॉइंट टू वन वरिंग कंक्लूजन। वेल्टर का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। बहुत बड़ी संख्या में जो आंकड़े हैं, चाहे वो सामूहिक रूप से हैं या फिर निजी तौर पर हैं, ये इशारा कर रहा है एक चिंताजनक निष्कर्ष की ओर। इकोनॉमिक मोमेंटम अक्रॉस सेक्टर्स इज स्लोइंग इन द वाइडनिंग एब्सेंस ऑफ दैट की इनग्रेडियंट डिमांड। मोमेंटम का मतलब होता है गति, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, और इनग्रेडियंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर जिससे मिलकर बना हो, उसको इनग्रेडियंट बोला जाता है। जो आर्थिक गति है अलग अलग सेक्टर्स में वो धीमी पड़ रही है, जब से मुख्य जो डिमांड है उसके चलते, डिमांड की अनुपस्थिति के चलते इकोनॉमिक मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक आर्थिक गति जो है वो धीमी पड़ रही है। डोमेस्टिक सेल्स ऑफ कार्स कमर्शियल व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स आल कॉन्ट्रैक्टेड इन अप्रैल। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है सिकुड़ जाना। घरेलू बिक्री है गाड़ियों की, कमर्शियल व्हीकल्स की, और दोपहिया वाहन जो हैं उनकी, ये सभी के सभी अप्रैल में सिकुड़ गए हैं या फिर कम हो गए हैं। फ्रॉम ए ईयर अर्लियर द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैज रिपोर्टेड। ये कमी हुई है, एक साल पहले के आंकड़े देखे जाएं तो SIAM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने इस बात की जानकारी दी है या फिर रिपोर्ट किया है। The decline of almost 16% in total automobile industry sales is an indication that consumption demand across markets, urban and rural, industrial and individual is petering out. Petering out का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ की कमी होना। लगभग 16% की जो गिरावट है कुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बिक्री में, उसमें जो गिरावट है वो एक संकेत है कि अलग अलग मार्केट के अंदर उपभोग की जो मांग है, चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, चाहे वो संस्थागत हो या फिर निजी हो, वो डिमांड जो है धीरे धीरे कम हो रही है। वाइल सेल्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स ए फेयर प्रॉक्सी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लाइड 60% लास्ट मंथ। प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी और की जगह ले लेना, जबकि कमर्शियल व्हीकल की जो बिक्री है, जो सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन सब के लिए एक विकल्प का काम करती है, इसमें भी गिरावट आई है 6% की पिछले महीने।
A 16.4% drop in demand for two-wheelers extended the segment's slump into the new financial year. Extend का मतलब होता है बढ़ाना. तो 16.4% की जो गिरावट है मांग के अंदर दोपहिया वाहन की, तो इसकी जो ये गिरावट आई थी मांग में, इसने इस भाग में या फिर क्षेत्र में मंदी को बढ़ा दिया है नए वित्तीय वर्ष में. मिररिंग द रिपलिंग रूरल डिस्ट्रेस. मिरर का मतलब होता है दर्पण और रिपलिंग का मतलब होता है लहलहाना और डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट. ये दिखा रहा है कुछ जो ग्रामीण संकट हैं उनको या फिर उनको दर्शा रहा है. द डाटा ऑन पैसेंजर व्हीकल्स विच सा द स्टीपेस्ट ड्रॉप इन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स एड टू द ग्लूम. स्टीप का मतलब होता है ढलान और ग्लूम का मतलब होता है उदासी या फिर दुख. आंकड़े जो है यात्रियों के व्हीकल जो होते हैं उनके बस इत्यादि के जो आंकड़े हैं, जिसने सबसे अधिक तेज गिरावट देखी है लगभग 8 वर्षों की बात करें तो ये भी इस संकट को गहरा रहा है. कार सेल्स श्रंक ऑलमोस्ट 20% अमिड ए प्रोट्रैक्टेड स्लंप दैट शोज नो साइंस ऑफ रिवर्सल. श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना या फिर कम होना और प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है काफी लंबे समय तक चलना. रिवर्सल का मतलब होता है विपरीत क्रम में होना. कार की बिक्री भी सिकुड़ी है या फिर कम हुई है लगभग 20% की. जो काफ़ी लंबे समय से मंदी चल रही थी उसमें मंदी है उसके बीच में, और ये दिख रहा है कि कोई भी संकेत नहीं है फिर से ठीक होने का. द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट फिगर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वे टू अंडरस्कोर द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द डिमांड ड्रॉट. अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा. जो हाल ही में इंडस्ट्री के डेटा या आंकड़े सामने आए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो डिमांड का सूखा पड़ा हुआ है यानी कि डिमांड नहीं है उसका जो व्यापक नेचर है उसको दर्शा रहा है. द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर मार्च शोज आउटपुट फेल 0.1% फ्रॉम ए ईयर अर्लियर टू ए 21-month लो. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो इंडेक्स है मार्च के लिए वो दिखाता है कि आउटपुट में 0.1% तक की गिरावट आई है. एक साल पहले की तुलना में 21 महीनों का सबसे निचला स्तर इसने प्राप्त किया है. विद द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन रिवेलिंग ए वीकिंग दैट स्प्रेड नन ऑफ द 6 सेगमेंट्स. स्प्रेड का मतलब होता है छोड़ना. प्रयोगों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो दर्शा रहा है एक कमजोरी और एक गिरावट को, जिसने इन 6 सेगमेंट्स में से किसी को भी नहीं छोड़ा है. द कैपिटल गुड्स सेक्टर श्रैंक बाई 8.7% ऑन द बैक ऑफ एन 8.9% कंट्रैक्शन इन द प्रीसीडिंग मंथ्स. प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला. ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है के आधार पर. जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है उसमें भी गिरावट आई है 8.7% तक की. जो 8.9% कंट्रैक्शन है पिछले महीने में उसके आधार पर अगर बात करें तो 8.7% तक ही श्रंक हुआ है, यानी कि इसमें 8.7% तक की कमी आई है. आउटपुट ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल फेल 5.1% फ्रॉम द ईयर अर्लियर. कंज्यूमर ड्यूरेबल का मतलब होता है उपभोक्ता जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल बोला जाता है. कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो आउटपुट हैं उसमें भी गिरावट आई है 5.1% तक की, एक साल पहले का जो आंकड़ा था उसकी तुलना में. एंड ग्रोथ इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्शन स्लाइड टू 0.3% फ्रॉम द 14.1% पेस इन मार्च 2018. और जो भी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्शन है उनमें भी 0.3% तक की गिरावट आई है, जिसकी गति मार्च 2018 में 14.1% तक थी. मैन्युफैक्चरिंग विच हैज़ ए वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78% इन द इंडेक्स कंटिन्यूज टू बी द बिगेस्ट ड्रैग. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो निर्माण सेक्टर है जिसका वेटेज 78% तक का है उसमें भी सबसे बड़ी गिरावट आई है. विद आउटपुट कॉन्ट्रैक्टिंग बाई 0.4% आफ्टर श्रिंकिंग बाई ए सिमिलर एक्सटेंड इन फरवरी. इसका आउटपुट लगभग 0.4% तक सिकुड़ा है. ये जो गिरावट है अगर एक ही तरीके से बात करें तो फरवरी में देखने को मिला है. ओवरऑल द सेक्टर्स ग्रोथ स्लोड टू 3.5% इन द लास्ट फिस्कल फ्रॉम 4.6% इन 2017-18. कुल मिलाकर जो सेक्टर की ग्रोथ है वो स्लो हुई है 3.5% तक पिछले वर्ष में, जो कि 2017-18 में 4.6% तक था. द कंपोजिट पिक्चर दैट इमर्जेस फ्रॉम ऑल दीज नंबर्स
कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित, यानी कि भिन्न भिन्न चीजों से प्राप्त। जो मिश्रित तस्वीर है भिन्न भिन्न आंकड़ों से प्राप्त, जो कि इन सभी संख्याओं से देखने पर उभर कर सामने आ रही है। बिलीव दिस ईयर शोज इम्प्लिसिट फोर्थ क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ अजम्पशन ऑफ 6.5% एंड पेंट्स इट एज ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। बिलीव का मतलब होता है झूठा साबित करना, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित अर्थ। सीएसओज का जो निहित अर्थ है, चौथे तिमाही का जीडीपी ग्रोथ अंजम्पशन जो था 6.5% तक का है, जिन्होंने अनुमान लगाया था कि जीडीपी जो है 6.5% तक रह सकती है, इन सभी आंकड़ों को झूठा साबित करती है ये तस्वीरें, और इसको इस प्रकार से दर्शाती है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा कुछ है नहीं, इतने ब्राइट फीचर देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आशा दर्शाई है। With global headwinds strengthening in the backdrop of an escalating trade war between the two largest economies, the USA and China. Headwinds का मतलब होता है सर के ऊपर से, या फिर बिल्कुल सामने से, या फिर विपरीत दिशा में इसको बोल सकते हैं, और backdrop का मतलब होता है पृष्ठभूमि, strengthening का मतलब होता है मजबूत करना, और escalating का मतलब होता है बढ़ता हुआ। विश्व की जो दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका और चाइना, वहां पर जो ट्रेड वॉर बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो वैश्विक रूप से हैंडविड्स है, या फिर जो ग्लोबल माहौल है जो कि मजबूत हो रहा है, एंड राइजिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया बिगनिंग टू पुश अप एनर्जी कॉस्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन, और जो पश्चिमी एशिया है वहाँ पर बढ़ती हुई जो परेशानियाँ हैं, जो ऊर्जा की कॉस्ट बढ़ रही है, जो भी एक्सपोर्ट करने वाले नेशंस हैं वहाँ से, इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैव टू कंटेंड विद एन एक्सटर्नल सेक्टर दैट वुड लाइकली ओनली ऐड टू द डोमेस्टिक प्रेशर मोस्ट सर्टेनली इन द नियर टर्म इफ नॉट इन द लॉन्गर। कंटेंट विद का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। भारत में जो नीति निर्माता हैं जिनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है एक्सटर्नल सेक्टर के साथ में, उसकी संभावना ये है कि वो केवल घरेलू दबाव को ही बढ़ाएगा। अगर नज़दीकी टर्म में देखें और लॉन्ग टर्म की बात ना करें तो ये सिर्फ घरेलू प्रेशर को ही बढ़ाएगा। The distress in the firm sector may just ease marginally if the monsoon does turn out to be near normal as forecast last month. Distress का मतलब होता है संकट, और forecast का मतलब है पूर्वानुमान। जो खेती के क्षेत्र में संकट है वो आंशिक स्तर पर थोड़ा सही हो जाएगा यदि मानसून सामान्य स्तर पर रहता है, जिस प्रकार का पूर्वानुमान लगाया गया था पिछले महीने में, एंड कुड हेल्प स्पोर ए डिमांड रिवाइवल इन द रूरल हिंटरलैंड। रिवाइवल का मतलब होता है पुनः सक्रिय, हो सकता है ये डिमांड को थोड़ा सा प्रेरित कर दे या फिर बढ़ा दे ग्रामीण इलाके में, यानी कि जो ग्रामीण इलाका है हो सकता है कि वहाँ पर ये डिमांड बढ़ जाए। स्टिल द न्यू गवर्नमेंट दैट अमर्ज आफ्टर May 23 मस्ट स्पेयर लिटिल टाइम इन ड्रॉइंग अप एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर। जो नई गवर्नमेंट आएगी 23 मई के बाद में, उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा उपयुक्त नीति निर्माण के लिए। दैट नॉट ओनली हेल्प रीइनविगोरेट डिमांड बट आल्सो इंश्योर दैट सच ए रिवाइवल इज रिबूस्ट अक्रॉस द बोर्ड एंड इंड्यूरिंग। रीइनविगोरेट का मतलब होता है ऊर्जावान या फिर सक्रिय बनाना, और रिबूस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो ना केवल डिमांड को बढ़ाएगा या फिर डिमांड को फिर से सक्रिय बनाएगा, बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि इस प्रकार का रिवाइवल बहुत ही मजबूत हो, जो सभी प्रकार के क्षेत्र को, संगठन को, सिस्टम को, और जो सोसाइटी है उन सब को प्रभावित करने वाला हो और टिकाऊ भी हो। ये सब चीज़ें देखने को होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।